नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सौरभ सर आप सभी का अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और दोस्तों, हम लोग आज अपने सेलोलिज्म के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेलोलिज्म से जुड़े हुए इसके रूल वगैरह के बारे में बात किया था, ठीक है ना। और उस पर मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, रूल को अप्लाई कैसे करना है वो समझाया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे और देखा जाएगा कि जो हमारे सवाल आते हैं तब हम लोग इस रूल को कैसे लगाते हैं। हम लोग जो सेलोलिज्म को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना ये रूल है 150 रूल, ठीक, यानी 150 रूल, ठीक है। और उसी पर आपको काम करना है। और कैसे काम करते हैं चलिए देखा जाए। एक सवाल मैंने ले रखा है सामने, देखिए एक कथन लिखा हुआ है, एक सवाल है पूरा अपना, कथन निष्कर्ष मैंने दोनों ले रखे हैं। इसको सॉल्व किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो जो उधर मैंने रूल लिख रखे हैं वो तीनों रूल वन बाय वन कैसे यूज होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, इन्हीं रूल्स के सहारे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ये जितने भी क्वेश्चंस आपके पास मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो, अगर यहाँ देखा जाए और इस सवाल को देखा जाए तो ये कथन लिखा हुआ है और ये आपका निष्कर्ष है, ठीक। नियम यह है कि कथन के सहारे निष्कर्ष को चेक करिए, कौन सही है कौन गलत है यही बताना है आपको। अब क्या करें, तो सबसे पहला काम हम लोग अपने रूल से लगाना शुरू करने चल रहे हैं। वन बाय वन करके एक एक रूल को अप्लाई किया जाए, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, और फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे क्या करना है। सबसे पहला काम देखिए, यहाँ पर आगे क्या लगा है, सभी। तो पहला रूल ये कहता है, रूल वन जो यहाँ लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि इसको पढ़ पढ़ के पैसे बांटते चले जाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सभी, तो सभी अगर लिखा है तो सभी के हिसाब से वहाँ रूल कहता है कि पहले ऑब्जेक्ट को 100 दीजिए और दूसरे वाले को 50 दे दीजिए, ठीक है। तो बस वही काम यहाँ करिए, तो पहले वाले को 100 दिया, दूसरे वाले को 50 दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ भी सभी लगा हुआ है, तो यहाँ भी अगर सभी लगा है तो इनको भी 100 दे दीजिए और इनको भी 50 दे दीजिए, ठीक है। अब इसी तरह से चलते जाइए, पढ़ते जाइए और पैसे बांटते चले जाइए। जैसे देखिए यहाँ कुछ लगा हुआ है, तो कुछ अगर लगा है तो बंटवारा होगा 50-50 का। इसी तरह कोई नहीं का प्रयोग हुआ, तो कोई नहीं का मतलब हो गया दोस्तों 100 और 100। और साथ में ही चूंकि यहाँ नहीं आया हुआ है और इस वजह से ये हमारा निष्कर्ष एक निगेटिव निष्कर्ष है, ध्यान रखिएगा ये वाला निष्कर्ष निगेटिव है क्योंकि यहाँ नहीं का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे को देखिए, यहाँ कुछ लगा हुआ है तो कुछ का मतलब फिर से क्या हो गया 50 और 50। ये हो गया पहला रूल। इस रूल के हिसाब से हमने सभी को एक एक करके उनके हिसाब से पैसे दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं, रूल टू अप्लाई करने की बारी आ रही है। रूल टू को कैसे अप्लाई करोगे यही सीखना है। अब देखिए, रूल टू को अप्लाई करने के लिए आप सीधे निष्कर्ष पर पहुंचिए, अपने पहले निष्कर्ष पर आइए। देखिए पहले निष्कर्ष में कौन कौन ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान देना यहाँ एक ऑब्जेक्ट है पेड़ और दूसरा ऑब्जेक्ट है घर, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देना कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनमें दो कंडीशंस हैं, या तो वो डायरेक्ट होते हैं और या तो वो इनडायरेक्ट होते हैं। बात समझ में आया कहने का, तो ध्यान रखिएगा कि वो या तो डायरेक्ट होंगे और या तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कब होंगे, अगर वो दोनों किसी एक कथन में साथ में है, ठीक है ध्यान रखिएगा, अगर वो दोनों के दोनों एक ही कथन में एक साथ आए हुए हैं तो वो डायरेक्ट होंगे, और अगर दोनों अलग अलग कथनों में हैं तो वो इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ बात हो रही है पेड़ और घर की, ठीक है। तो देखो पेड़ और घर को अगर ऊपर चेक किया जाए तो पहला कथन जो हम लोगों का है, इस कथन में घर और पेड़ दोनों एक साथ आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों चूंकि साथ में आए हुए हैं इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझाई कहने का, डायरेक्ट का मतलब ऊपर की लाइन में अगर एक साथ हैं तो डायरेक्ट, और अगर अलग अलग हैं तो इनडायरेक्ट। तो चूंकि घर और पेड़ की बात हो रही है पहले निष्कर्ष में और ये ऊपर दोनों एक साथ हैं तो इसलिए ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा तो आपको ये देखना है कि चिन्हों का रूल क्या जा रहा है। तो अगर हमारा पहला, देखिए ये जो अपना कथन है ये पॉजिटिव है, ठीक, और अगर ये कथन पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष आपका कैसा होगा,
पॉजिटिव ही होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपका ये कथन का निष्कर्ष किस तरह से है। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने यहाँ पर पहला रूल अप्लाई कर दिया है। रूल अप्लाई करने के बाद मैंने इसमें इनका बंटवारा कर लिया, सबको पैसे बांट दिए। पैसे बांटने के बाद अब अगली बारी आती है दूसरे अपने रूल के पास। ठीक है, दूसरे रूल पे पहुंचना है, फिर तीसरे रूल को मिलाना है। अगर ये दोनों सही हो गए तो आपका जवाब सही, और अगर नहीं सही हुए तो मामला वो जवाब गलत। अब देखिए करोगे क्या, तो सबसे पहला काम, दूसरे रूल को अप्लाई करने से पहले आप आएंगे अपने निष्कर्ष पे। जैसे मैं पहले निष्कर्ष पे आता हूं, और देखो यहां पर कौन कौन ऑब्जेक्ट है, एक है पेड़ और दूसरा है घर। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखो, यहां ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट ऊपर किसी पंक्ति में एक साथ हैं तो वो डायरेक्ट कहलाते हैं, और अगर वो दोनों अलग अलग हो गए तो वो इनडायरेक्ट कहलाते हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है पेड़ और दूसरा ऑब्जेक्ट है घर। ठीक, ऊपर अगर चेक किया जाए तो देखिए घर और पेड़ दोनों यहां उपलब्ध हैं, तो ये दोनों पहले कथन में है और इस वजह से ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो गए। अब अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक बात का ख्याल रखना कि ये जिस कथन में होगा केवल आप उसी कथन से काम करेंगे, आपको अन्य कथनों की जरूरत नहीं है। मतलब ये हुआ बेटा कि आपका ये जो पहला निष्कर्ष था, ये पहले कथन में ऑब्जेक्ट जो है उनके सहारे बनाया गया है, देखिए पेड़ और घर। तो आप जो काम करेंगे वो केवल पहले कथन से करेंगे, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इतना जैसे ही क्लियर हो जाए कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट है तो कहाँ है और इनडायरेक्ट है तो कहाँ है, इतना पता चलने के तुरंत बाद हम लोग रूल टू पर आ जाएंगे। अब देखिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये पहले कथन में था, और हमारा पहला कथन जो है वो पॉजिटिव है, और अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो रिजल्ट यही कहता है कि कथन अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। और देखो हमारा जो निष्कर्ष आया हुआ है वो कैसा है भाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये कि यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, और इस वजह से ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है यानी इसने दूसरा एग्जाम पास कर लिया। अब दूसरा एग्जाम जब पास हो जाता है तो सीधे आइए तीसरे रूल पे। तीसरा रूल कहता है कि बस कमाई और खर्चे मिला लो, अगर सब कुछ सही है तो बात सही है। अब जो लोग इस वीडियो को पहली बार अभी देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यहां पर आय जो लिखी है, आय होती है कथन। कथन में जो कुछ भी है वो आय है, और खर्च जो होता है वो होता है निष्कर्ष। ठीक है, तो ध्यान देना, निष्कर्ष में जो भी लिखा गया है वो सब खर्च है, और कथन में जो भी लिखा गया है वो सब इनकम है। अब बस मिलाना शुरू कर दीजिए। ये रूल कहता है कि आप जितना कमाएंगे खर्चा उतना ही हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा खर्च नहीं होगा। अब जरा देखो यहां पर आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है पेड़, उसने यहाँ खर्च कर दिए हैं 50। अब जरा ऊपर देखो, पेड़ ने कमाए कितने थे, 50। तो 50 कमाया, 50 खर्चा हुआ, बजट ठीक है, बजट गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि उसने अपना खर्चा उड़ा दिया कमाई। अब देखो दूसरे के पास आ जाओ, यहाँ पर है घर, घर ने खर्च किए हैं 50, जबकि यहाँ पर घर ने कमाए कितने थे, 100। तो 100 कमा के 50 खर्च किया, तो इसकी और अच्छी बात हो गई, यानी कि दोनों लोग अपने बजट में हैं, और अगर दोनों अपने बजट में हैं तो आपका ये निष्कर्ष सही हो गया। अब आ जाइए दूसरे निष्कर्ष पर। तो देखिए दोस्तों, दूसरे निष्कर्ष में एक ऑब्जेक्ट है फल और दूसरा ऑब्जेक्ट है घर। तो अगर ऊपर देखा जाए दोस्तों, तो देखो हम लोगों को बात करनी है फल की किसके साथ, घर के साथ। अब देखो फल दूसरे कथन में है और घर जो है वो पहले कथन में है, दोनों की लाइनें अलग अलग हो गई। अब ये इनडायरेक्ट कहलाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग लाइनों में। अब ये अगर इनडायरेक्ट है बेटा, तो एक बात का ख्याल रखना, इनडायरेक्ट वालों को जोड़ने वाला कोई ना कोई एक कॉमन होता है। तो देखो यहां पर घर जो है वो पेड़ से जुड़ा है, और पेड़ किससे जुड़ा है बेटा, फल से जुड़ा है। तो यानी कि अगर हमको इसकी बात करें तो कुछ इस तरह से ये है, देखिए कि घर जुड़ा है पेड़ से और पेड़ जुड़ा है फल से, लेकिन
इस निष्कर्ष ने कहा है कि फल और घर को मिला दीजिए, यानी कि आपको इन दोनों को मिलाना है, और अगर इन दोनों को मिलाना है तो आपको बीच में से इनको तो हटाना ही पड़ेगा। अब पेड़ हटेगा कैसे? तो रूल ये है कि जब ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हो तो बीच वाले को हटाने के लिए कम से कम, ध्यान रखना इस लाइन को बेटा, कम से कम 150 देना होता है। मतलब समझिए ध्यान से, यहां देखिए घर यहां है, फल यहां है, दोनों को जोड़ने वाला पेड़ है, तो आपको ये रास्ता बनाना है, और ये रास्ता तभी बनेगा जब दोनों जगह मिला देने पर ये अमाउंट 150 हो जाए। बात को ध्यान रखना इसको, कि दोनों जगह मिलाने पर अमाउंट कितना होना चाहिए? कम से कम 150। अगर 150 हो गया तो ये हट जाएगा यहां से, यानी कि आप ये रास्ता बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इसको 150 नहीं मिला, यानी मान लीजिए 100 मिला, तो उस परिस्थिति में ये बात नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती तो उसको तुरंत वही काट दिया जाएगा, यानी वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो अब देखिए, हम लोगों को फल और घर को जोड़ना है, बीच में बैठा है पेड़, तो ये परमिशन देगा कि नहीं देगा? जरा ध्यान से देखिए, तो पेड़ के पास यहाँ 50 है और यहाँ 100 है, दोनों मिला दोगे तो 150 हो जाएगा, यानी रास्ता क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बीच वाला हटने का 150 लेगा, तो उसको जब 150 मिल गया तो वो रास्ते में से हट जाएगा। अब जब रास्ते में से हट गया तो अब हम लोग अपना आगे बात करेंगे। अब देखिए, घर जो है आपके इस कथन में है और ये कथन आपका पॉजिटिव है, और फल यहां पर है और ये भी कैसा है? पॉजिटिव। तो जब दोनों कथन पॉजिटिव, तो देखिए आपका रूल यहां लिखा हुआ है कि अगर दोनों कथन पॉजिटिव तो रिजल्ट भी कैसा चाहिए? पॉजिटिव। जरा यहां चेक करिए, ये आपका दूसरा रिजल्ट कैसा है भाई? नहीं लगा हुआ है। नहीं का मतलब यहां लिखा हुआ है निगेटिव, और रूल के हिसाब से होना चाहिए था पॉजिटिव, और इस वजह से ये बात गलत हो गई। तीसरे पर आ जाइए, तीसरा कहता है कुछ घर फल हैं, यानी वापस से आपको घर को जोड़ना है किसके साथ? फल के साथ। फिर से वही बात है कि बीच वाला रास्ता बनना चाहिए, तो रास्ता तभी बनेगा जब दोनों जगह मिला के कितना बनेगा? 150। तो देखिए, दोनों जगह मिला दोगे तो 150 रेडी हो जाएगा। अब जब 150 बन गया, यानी रास्ता क्लियर है। अब जब रास्ता क्लियर है तो चिन्हों को मिला लीजिए जरा, तो देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला भी पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। तो देखिए आपका रिजल्ट कैसा है भाई? पॉजिटिव है। तो यानी दूसरा एग्जाम तो पास हो गया। अब आखिरी रूल कहता है कमाई और खर्चे को मिलाओ। ये जो तीसरा रूल लिखा हुआ है, तो जरा देखिए यहां पर घर ने कितने खर्च कर दिए बेटा? 50। देखो घर ने कमाए कितने थे? 100। तो 100 कमा के खर्चा कर रहा है 50, यानी बात बजट में है। इसी तरह से देखो फल ने कितने खर्च कर दिए, तो फल ने खर्च किए 50, और देखो कमाए कितने थे? 50। दोनों लोग अपने अपने बजट में हैं, और बजट में हैं तो ये बात क्या हो गई? सही हो गई। अगर एक भी बजट के बाहर हुआ होता तो मामला वही गलत हो जाता। जैसे अगर मान लीजिए एक निष्कर्ष मिल जाए, सभी फल पेड़ हैं, मान लेते हैं कैसा निष्कर्ष है। अब देखिए यहां पर सभी लगा है, तो पहले बंटवारा कर लीजिए, तो ये हो गया 100 और 50 का बंटवारा। अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है फल और दूसरा ऑब्जेक्ट है पेड़, तो जरा ऊपर देखिए, तो फल और पेड़ यहां दोनों एक साथ हैं, तो ये डायरेक्ट हो गया। अब जब डायरेक्ट हो गया तो हम लोग केवल इससे काम करेंगे, ठीक है ना। और ये वाला कथन जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव है तो दूसरा एग्जाम पास हो गया। अब कमाई खर्चा मिला लो, फल ने कितने खर्च कर दिए? 100, जबकि कमाए कितने थे? देखिए जरा, फल ने कमाए थे 50, तो 50 कमा के कोई 100 खर्चा नहीं कर सकता, और इस वजह से ये वाला बात गलत हो जाती है। और अगर एक भी गलत हो गया तो निष्कर्ष वही गलत हो जाता है। बात समझ में आया कहने का? तो ध्यान रखना है बेटा दोस्तों, ये तरीका ऐसा ही है, ये इसी तरह से काम करता है। इसका मैं एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे जैसे आप एक दो एग्जाम्पल देखेंगे ये बातें बड़ी आसान हो जाएंगी। जैसे चलिए एक सवाल और देखते हैं।
जैसे एक कथन लिखा हुआ है, कुछ पी क्यू हैं, दूसरे ने कहा सभी क्यू आर हैं, निष्कर्ष ले लिया जाए, एक ने कहा सभी आर पी हैं, दूसरे ने कहा कुछ क्यू कुछ पी आर हैं, इसको ले लेते हैं ठीक, और एक और ले लिया जाए कुछ क्यू पी हैं, एक एक करके इन तीनों को अपने नियम से मिलाया जाए। तो देखिए सबसे पहला काम रूल वन लगाते हैं, पैसे बांट दिया जाए सबको फटाफट। अब देखिए यहां कुछ लगा है तो कुछ का मतलब बंटवारा हो गया 50-50, यहां सभी लगा है तो बंटवारा हो गया 100-50, यहां भी सभी लगा है तो बंटवारा हो गया 100-50, यहां कुछ लगा है तो बंटवारा हो गया 50-50, यहां भी कुछ लगा है तो बंटवारा हो गया 50-50। ये हो गया पहला रूल। अब दूसरा रूल लगाने से पहले जैसा मैंने बताया कि सीधे निष्कर्ष पर आइए, और पहले निष्कर्ष में देखिए आपके कैरेक्टर हैं आर और पी, तो ऊपर चेक कर लो कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो देखो भैया आर यहां है पी यहां है तो इनडायरेक्ट हो गए। अब इनडायरेक्ट हो गए तो देखो दोनों को जोड़ने वाला कौन है, क्यू, और क्यू हटेगा कब, तो मैंने बताया है कि जब ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हो तो बीच वाले को बेटा हटाने के लिए ना 150 देना होता है कम से कम। और देखो यहां पर क्यू के दोनों जगह को अगर मिला दिया जाए तो देखो यहां से 50 है यहां से 100 है, दोनों मिलाए तो आप बन जाएगा 150, यानी रास्ता क्लियर हो गया। अब जब रास्ता क्लियर हो गया तो चिन्हों को मिला लो, तो देखो ऊपर वाला कथन पॉजिटिव है और दूसरा वाला कथन भी पॉजिटिव है। अब जब दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका रिजल्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। और देखो ये निष्कर्ष आपका किस तरह से है, पॉजिटिव है, तो ये तो एग्जाम पास हो गया। अब कमाई खर्चा मिला लो, तो देखो आर ने कितने खर्च किए 100, कमाए कितने थे देखिए 50, 50 कमा के 100 का खर्चा अलाउ नहीं है ठीक, और इस वजह से ये वाला गलत हो जाता है, और अगर एक गलत हुआ तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले पे, देखिए बात हो रही है पी और आर की, वापस से वही दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो देखिए पी ऊपर है आर नीचे है, जोड़ने वाला क्यू है, क्यू परमिशन देगा कि नहीं देगा, तो भैया वो परमिशन तभी देगा जब उसको दोनों जगह मिलाकर 150 मिले, अगर नहीं मिलेगा तो वो परमिशन नहीं देगा। अब देखिए 150 मिल रहा है तो रास्ता क्लियर है, रास्ता जब क्लियर हो गया तो चिन्हों को मिला लो, तो देखो ऊपर वाला कथन पॉजिटिव है नीचे वाला कथन भी पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव तो रिजल्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव, और देखो हमारा रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव है, तो दूसरा एग्जाम तो पास हो गया। अब कमाई और खर्चे मिला लो, तो देखो पी ने खर्च किए हैं 50, कमाए कितने थे 50, आर ने कितने खर्च किए 50, कमाए कितने थे 50, दोनों लोग अपने अपने बजट में हैं और इसलिए आपका ये निष्कर्ष सही है। तीसरे पर आ जाइए, देखिए यहां पर बात हो रही है क्यू और पी की ठीक है, तो देखिए अगर क्यू और पी के बारे में बात किया जाए तो पी यहां है क्यू यहां है, दोनों डायरेक्ट में है ठीक। अब जब डायरेक्ट में है तो हम केवल पहले कथन से काम करेंगे, दूसरे वाले से काम नहीं करेंगे। तो देखिए पहला वाला कथन जो है ये पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव, और देखो ये पॉजिटिव है यानी दूसरा एग्जाम तो पास हो गया। कमाई खर्चे मिला लो, तो देखो क्यू ने खर्च किए 50, कमाए कितने थे 50, पी ने खर्च किए 50, कमाए कितने थे 50, दोनों लोग बजट में हैं और इसलिए ये बात सही, बात समझाई कहने का। तो इस तरह से बेटा हम लोग सभी सवालों को सेलोलिज्म के सवालों पे काम करते हैं, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो जान लेना आप सेलोलिज्म का बड़ा से बड़ा सवाल बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। जो एक वेन आरेख की कमी है वो ये कि यहाँ पर जैसे जैसे कथन बढ़ता है ना तो वेन आरेख से अगर आप लगाएंगे तो वो बहुत लंबा होता जाता है और वहाँ गलती ज़्यादा होती है, जबकि इस रूल की खासियत ये है कि ये पूरे में बस ऐसे ही काम करेगा, एक बार केवल समझना है ध्यान से, अगर एक बार समझ गए हम लोग तो देखना अब हम लोग इसके बाद जो वीडियो मैं दूंगा आपको उसमें बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्यूशन होगा, यहाँ चूंकि समझाना था इसलिए पूरा टाइम लग रहा था, अब अगली वीडियोस में देखना फटाफट आपको ये बातें समझ में आती जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ अगर आप सीख गए ना तो बहुत मजा आने वाला है। और ध्यान देना अगर कहीं किसी को डाउट हो रहा हो दिक्कत हो रही हो तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना, पिछली वीडियो में मैंने इसको पूरा बाकायदा रूल वाइज समझाया है ठीक है, उसको जब समझ लोगे तो ये बातें फटाफट समझ में आपको आ जाएंगी ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, अब आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगा ठीक है ना,
और अगर आप बैच से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो बैच हमारे यहाँ लगातार शुरू हो रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस। आप लोगों को जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो दोस्तों, आप लोग हमारे कोचिंग के नंबर पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। वैसे देखिए नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, हमारा कोचिंग का नंबर यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी ये है, कॉलिंग नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इन नंबरों पर आपको बैच से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ दे दी जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।